नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जिस बात का था आप लोगों को बेसब्री से इंतजार, तो आपके रिजल्ट के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ और आपको बारीकी से एक एक चीज इस रिजल्ट के बारे में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस टेस्ट के माध्यम से आपने कुछ नई बातें सीखी? क्या आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है, आपने अपनी गलतियों का एहसास किया है, तो यकीन मानिए इस लिस्ट में आपका नाम हो या ना हो, आप इस बीएचयू वर्ल्ड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के वास्तविक विजेता हैं और आपको इसका फायदा इंट्रेंस एग्जाम में दिखेगा। अब आइए आप आते हैं रिजल्ट के मुद्दे पे। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दूं, उसके बाद रिजल्ट की घोषणा करूंगा। पहला प्रश्न ये है कि सर लेट क्यों हुआ रिजल्ट होने में? ये प्रश्न कुछ लोगों का है, लेकिन फिर भी उसका उत्तर देना थोड़ा जरूरी है। लेट इसलिए हुआ क्योंकि कुछ वैज्ञानिक प्रविधि के लोगों ने, वैज्ञानिक शोधार्थियों ने बीएसटी में 450 में 450 स्कोर कर दिया, जो कि हम लोगों को नहीं पचा, और मात्र 16 से 17 मिनट में। आपको भी शायद ना पचे। इसी प्रकार बीए में जो है, मात्र 6 मिनट में उन्होंने अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया और 6 मिनट में उसका उनका स्कोर जो था 344 था। तो हमने ऐसे सारे वैज्ञानिक लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, और इसके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया हम लोगों को अपनानी पड़ी, जिसमें बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा पूरी टीम को। बीए में तो बकायदा एक एक बच्चे को कॉल गया, कॉल के माध्यम से उनसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। जब हम लोगों को संतुष्टि हो गई, तब हम लोगों ने उसको इस लिस्ट में स्थान दिया। बीएससी में भी ठीक इसी तरह हम लोगों ने एक एक बच्चे का टाइम शेड्यूल देखा कि एक क्वेश्चन को बनाने में उन्होंने कितना समय लिया है, दूसरे क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लिया है। तो इस माध्यम से हमने इस पूरे रिजल्ट को बिल्कुल और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया, और इसमें एक भी जगह हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन बच्चा हमारे कोर्स में इनरोल्ड है, कौन हमारे कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। तो ये सिर्फ एक बात। दूसरी बात यह है कि सर रैंक क्यों बदलते रहा? देखिए, रैंक इसलिए बदलते रहा क्योंकि कुछ लोगों का जो है टेस्ट लेट से शुरू हुआ, वो 9:15 में 9:20 में आके टेस्ट दिए थे, तो हम लोगों ने आधे घंटे का कंसिडरेशन दिया था। समय उनको 2 ही घंटा मिला, लेकिन वो आधे घंटे बाद तक जो पेपर दे रहे थे। तो आप अगर 11 बजे सबमिट कर दिए, या आप अगर 11:30 बजे सबमिट कर दिए थे बीएससी वाले, तो उसके बाद भी पेपर तो चल रहा था ना, क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से उनकी परीक्षाएं लेट से शुरू हुई। तो क्यों नहीं उनको 2 घंटा समय दिया जाए, क्यों नहीं उनको 2.5 घंटा समय दिया जाए? तो इस वजह से रैंक बदलते रहा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हम लोगों ने शुरू में ही बोला था कि आपको जो रैंक मिल जाएगा उसको ओरिजिनल रैंक मत मान लीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर कुछ लोगों का ऑटोमेटिक सबमिट हो गया नेट स्लो होने के कारण, तो उनका वहां उस समय रैंक 1 दिखा देगा क्योंकि एक ही लोग का सबमिट हुआ, तो इसलिए रैंक वगैरह बदलते रहा। दूसरी बात कि इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को तो पहले बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, दोस्तों एक अभी लंबी उड़ान बाकी। इसमें क्या हुआ है, इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के सिलेक्शन के माध्यम से हमने बस एक कंपटीशन का माध्यम माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया कि आप में एक कंपटीशन आ जाए कि आप बीएचयू एंट्रेंस के प्रति अभी सीरियस हो जाए। एक टेस्ट के माध्यम से आपको ये लगे कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो इस लिस्ट में 60 लोगों में, 65 लोगों में जिनका भी नाम है, अगर आपका नाम नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी 7 टेस्ट होनी है और इसके लिए एक छोटी सी फी रखी गई है। जिनको ज्वाइन करना है वो वैसे भी ज्वाइन करते हैं, अगर हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं भी रखते तो। लेकिन इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हमने पूरी ईमानदारी से इसको तैयार किया है, और केवल डिजर्विंग लोगों को इसका फायदा जो है हम लोगों ने दिया है। दोस्तों, अब एक एक करके बीएससी का और बीए का जो है वो शेड्यूल होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है बीएचयू एंट्रेंस में, क्योंकि हम लोगों ने पूरे इस प्रोग्राम को, जो पहला टेस्ट दिए हैं उनको पता चल गया होगा कि इस पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल बीएचयू एंट्रेंस की तरह डिजाइन किया है। और ये पूरा प्रयास हम लोगों का कि आपसे अच्छे से अच्छे प्रश्न बनवाए जाए इसमें, और जितनी गलतियां आप करने वाले एग्जाम में, वो सारी गलतियां आपको अपने टेस्ट सीरीज में हम लोग करवा दें, ताकि एंट्रेंस में आप अच्छे से क्वालिफाई कर सके, एंट्रेंस में वो गलतियां ना दोहराएं। अगर आप 18 तारीख तक हमारे कोर्स में इनरोलमेंट लेंगे तो उनको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए चयनित हुए हैं उनको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को जो है जाएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कि कैसे आपको कोर्स में इनरोलमेंट मिलेगा, वो हमारी टेक्निकल टीम पूरा उस चीज को देखेगी। तो जिनका भी लिस्ट में नाम आया है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएचयू वर्ल्ड यह उम्मीद करता है कि जिस प्रकार आप इसमें चयनित हुए हैं, आप आगे भी बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी एक लंबा समय बचा हुआ है, और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अपने बीएचयू वर्ल्ड पे चल रहे कोर्स के माध्यम से, हम लोगों का यही प्रयास है कि आपको आपके एंट्रेंस के लिए हर तरीके से ठोक बजा के सही कर दिया जाए, ताकि आप
एक अच्छा भविष्य ले सके, आप अपना एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पूरा रिजल्ट कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बीएससी में। Thank you.